हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी के दरबार पे मौजूद हूँ और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप शरकपुर आएँ और इनके दरबार पे हाजिरी ना दें, क्योंकि ये अगर दरबार की स्पेसिफिकली बात की जाए इंतहाई एक तारीखी दरबार है और इसकी हिस्ट्री डेफिनेटली मैं आपसे लेटर ऑन शेयर करूँगी। लेकिन इस दरबार की एक और ख़ास बात मैं आपसे शेयर करती चलूँ, हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी कह लें कि इस जगह पर वो तशरीफ़ लेकर आए थे। सो अभी अंदर चलती हूँ, अंदर चल के आपको अंदरूनी मनाजर दिखाती हूँ, लेकिन इससे पहले फूल लेंगे और उसके बाद अंदर चलेंगे। हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी साहब का दरबार तो मैंने आपको दिखा दिया और जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि उनकी जो हिस्ट्री होगी उसके हवाले से भी डेफ़िनेटली मैं आपको बताऊंगी, और उस हवाले से बताने के लिए डेफ़िनेटली कोई फैमिली मेंबर से बेहतर शख्स नहीं हो सकता। सो मेरे साथ इस वक्त मियाँ तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, बिल्कुल ठीक। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जी जी, आपका शुक्रिया जी, आप लोग आए। थोड़ा सा मुझे सबसे पहले तो मियाँ साहब की जिंदगी के हवाले से बताइएगा और उनके ओरिजिन के हवाले से बताइएगा। देखिए मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो जिंदगी है ये रोज़े रोशन की तरह पूरी दुनिया के सामने आया है। आपका ताल्लुक सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया जो कि तसव्वुफ़ का हमारे खसूसन बरसगीर और पूरी दुनिया में जाना जाता है, तसव्वुफ़ का एक बहुत बड़ा मशहूर सिलसिला है, तो आपकी खिदमात इस सिलसिले के लिए आपने सारी ज़िंदगी जो है अल्लाह के ज़िक्र की तरवीज के लिए गुजारी, लोगों की खिदमत की, मखलूक़ खुदा आने वाले ज़ायरीन की खिदमत की, और हर वक्त जो है वो शरीयत की पाबंदी के लिए आपने लोगों को दर्स देते रहे और बहुत बेशुमार लोग आपसे लोग फैज़याब हुए और बहुत सारी ऐसी दरगाहें हैं जो आपकी फैज़ याफ्त हैं जी। और जहाँ तक ओरिजिन का ताल्लुक है, मियाँ साहब के जो बड़े थे ख़ानदानी तौर पे आप अरब से आए, अरब की ज़मीन से फिर अफ़गानिस्तान आए, अफ़गानिस्तान से फिर वो जब कंपनी रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल था हमारे बरसगीर में, तब यहाँ पर वो शिफ्ट हुए कसूर में, कसूर से फिर दूसरे शहरों से होते हुए वो शरकपुर शरीफ आए, और फिर उस नस्ल से मियाँ साहब जो है कि मियाँ साहब की पैदाइश इधर हुई शरकपुर। अच्छा अच्छा सर, थोड़ा सा चूँकि अपनी पैदाइश के हवाले से भी इतने खूबसूरत अंदाज में बताया, उनकी थोड़ी सी वफात के हवाले से बताइएगा और उनके दरबार कब से है उसके हवाले से बताइएगा। देखें जो मियाँ साहब की जो रहलत हुई यानी वफात हुई वो 1928 में है, जब यहाँ पर ब्रिटिश राज था हमारे बरसगीर में, तो उस दौरान आपका वफ़ बिल्कुल मज़ार मुबारक भी जो है वो तब से ही है, तो तकरीबन 100 साल होने को है हमारा मज़ार इधर मौजूद है मियाँ साहब का। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा सर, जब मैं रिसर्च करी थी फॉर द स्पेसिफिक सिटी तो आई केम टू नो के अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी यहाँ पर आए थे, तो अगर इफ़ यू नो एनीथिंग रिलेवेंट टू दिस तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मियाँ साहब से करीबी ताल्लुक रहा है, और आपके एक खालाजाद थे सर मियाँ मोहम्मद शफी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ये, तो उनकी वजह से मियाँ साहब के साथ एक करीबी ताल्लुक रहा और अल्लामा साहब मियाँ साहब के पास आना जाना भी रहा, और इसमें कुछ लोग वाकया मशहूर करते हैं कि मियाँ साहब के पास आए तो मियाँ साहब के पास जब अल्लामा साहब तशरीफ़ लाए तो मियाँ साहब ने उनको आम आदमी समझ के मिलने से पसंद ना किया। अच्छा। और कहा जी कि इनकी दाढ़ी नहीं है, बाद में जब पता लगा तो मियाँ साहब उनके पीछे दौड़े कि ये तो अल्लामा साहब हैं, फिर फरमाया कि इनके पेट में दाढ़ी है, और इस तरह की बातें मनगढ़ंत मशहूर हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि मियाँ साहब ने वाकई अल्लामा साहब को जानते हुए अपने खालाजाद की मौजूदगी में इजहार नाराज़गी किया था कि आप शरीयत की पाबंदी नहीं करते, लेकिन अल्लामा साहब ने आगे से बड़ा
मोहब्बत के साथ जवाब दिया कि अर्ज़ किया कि हुजूर गुनाह से नफरत होनी चाहिए, गुनाहगार से नहीं। तो अलामा साहब के इस जवाब की वजह से मियां साहब में एक नरमी आई और आपस में एक मोहब्बत का ताल्लुक कायम हो गया। अच्छा, और मतलब जो कि बात एक्चुअली मशहूर है वो इस तरीके से नहीं है, और जो बात अभी आपने बताई है एग्जैक्ट बात ये है। जी 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 बिल्कुल ऐसी। चलें तो अच्छा हो गया कि क्लैरिफिकेशन भी होगी लोगों को। अरे सर, बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो भी यहाँ पे आ रहे होते हैं, बड़ा एक टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का पॉइंट है, तो उनको कोई आप अगर मैसेज देना चाहें, कुछ कहना चाहें। देखें बिल्कुल, टूरिस्ट यहाँ बड़े आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, अकीदतमंदान आते हैं, हर किस्म के लोग आते हैं। बल्कि हमारा जो दरबार शरीफ है ये तो जो टूरिज्म की जो एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है, मोबाइल एप्लीकेशन जी जी, पंजाब टूरिज्म की ना, उन्होंने इसको तो एज अ कल्चरल रिलीजियस टूरिज्म के तौर पे भी इसको हाईलाइट किया है। तो लोग आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। तो मैं कहा जाता है कि असफर वसीलातुल ज़फर, सफ़र कामयाबी की कुंजी है। तो अगर जो लोग आए हैं कामयाबी की तलाश में, तो उनके लिए मियाँ साहब का पैगाम यही है कि ज़िंदगी जो है वो बंदा ऐसी गुजारे कि हर वक्त जो है वो अल्लाह के जिक्र में रहे और मखलूक़े खुदा की खिदमत में रहे, और शरीयत के ऊपर ऐसे अमल करे कि जैसे बंदा फिक्र के साथ किसी चीज़ के लिए भागता है या उसकी कोशिश करता है। फिक्र के साथ शरीयत पे अमल का उन्होंने आसानी से नहीं या बेफिक्री से, बल्कि फिक्र के साथ जो है अमल करे। फिक्र के साथ, बहुत ही खूबसूरत। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एज वेल। ये थी हिस्ट्री जो कि अभी हमने आपको बताई, और इसके बाद आई एम गोना टेक यू टू समवेयर एल्स।